हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम। मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड सबसे पहला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। एक बार फिर से, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। उसके बाद फ्रेंड नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। एक बार फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ कि इन अध्यक्ष और सचिवों में से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए लाया है। तो फ्रेंड इनसे क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और फ्रेंड 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? बलवीर सिंह चौहान। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं रेखा शर्मा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि बैकवर्ड क्लास आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? भगवान लाल साहनी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? भगवान लाल साहनी। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? ब्रजराज शर्मा। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, सेवनवें वेतन आयोग इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? अशोक कुमार माथुर। एक बार फिर से, सेवनवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। उसके बाद 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड 15वें वित्त आयोग, ये जो वित्त आयोग है 7वें 14वें और 15वें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? एन के सिंह। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नंद कुमार शाही। आप एक बात देख सकते हैं फ्रेंड, अक्सर जो जनजाति आयोग होता है, जो भी होता है SC ST आयोग जो भी होता है, उनके जो भी अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं वो भी ST SC के ही चुने जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं होते हैं वो भी एक अल्पसंख्यक ही होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार शाही। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया। और अभी भी इससे पहले मैं हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग कौन है? भगवान लाल साहनी। पिछड़ा वर्ग
और जनजाति और अनुसूचित जाति यानी SC और ST तीनों के दिया हुआ है भगवान लाल साहनी, नंद कुमार साई और रामशंकर कठेरिया, OBC SC ST। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? एच एल दत्तू। यानी कि एक ट्रिक यहाँ से बन सकता है फ्रेंड, आप इसे ट्रिक ही याद रखिए तो आपको आराम से याद रखेगा कि अगर तुमने मेरे मानवाधिकार का हनन किया तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। तो इस तरह से फ्रेंड आप इसे याद रख सकते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी अल्पसंख्यक आयोग होंगे या SC होंगे या तो फिर ST होंगे, जितने भी आयोग होते हैं जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग हुआ, अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ, तो उसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो भी उसी जाति विशेष से होते हैं, उसी समुदाय विशेष से होते हैं। तो उस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सैयद घरारुल हसन रिजवी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आराम से याद रख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट से हमें बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, तो आप कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।